हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर वन देख रहे हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर आप ग्रैंड लीग कैसे विन करते हो, कैसे टिप देते हो। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के लाया हूँ। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो वीडियो पसंद आए तो, और यदि न्यू विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये हमारी जो यूजर हैं उनकी आप देख सकते हो ग्रैंड लीग विनिंग है। ठीक है, 4,34,000 रुपये की फर्स्ट रैंक पे आए थे, आप देख सकते हो। ये T10 के मैच जो अभी रिसेंट पे चल रहे हैं, ये परसों के मैच पे यहाँ पे जीता हुआ है इन्होंने। ठीक है, और आप देख सकते हो फर्स्ट प्राइस जो थी वो 7,00,000 रुपये थी, लेकिन इन पे दो मेंबर फर्स्ट रैंक पे आए थे जो डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो टोटल अमाउंट मिली थी यहाँ पे, टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स काट के वो 3,00,000 रुपये, 3,800 रुपये यहाँ पे मिली थी। ठीक है, और आप देख सकते हो तीन टीम इन्होंने फंसाया था, जो मैंने इन्हें टिप दी थी उसके अकॉर्डिंग 187 रैंक 2 पे आए थे। ठीक है, और यहाँ पे और आप देख सकते हो यहाँ पे जो टीमें आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे दो मेंबर आए थे जो मेरे यूजर थे और इनके, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। ग्रैंड लीग कैसे विन करोगे, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आप 100% यदि वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप IPL तक में, आप 100% मैं श्योर हूँ कि आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप देख सकते हो प्रूफ कि यहाँ पे कैसे जीता गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके आगे की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ ड्रीम11 और टेक्निकल सीवर नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो। यहाँ पे आपको फ्री प्राइम टीम दी जाती है, जहाँ पे आप हेड टू हेड स्मॉल लीग इजिली विन कर सकते हो। आपको बता दिया जाता है कि कौन सा मैच आपको हाई इन्वेस्टमेंट करने लायक है, कौन सा नहीं। साथ ही यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फ्री में भी यहाँ मंथली 10 से 30 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सही कहा, 10 से 30 हज़ार रुपये अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हाई इन्वेस्टमेंट मैच जो होते हैं आपको बता दिया जाता है, आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके पहले आपको मैं जो प्रूफ, यदि काफ़ी लोग प्रूफ मांगते हैं कि आप जीतते हो कि नहीं, तो 100% श्योर कि मैं जीतता हूँ। आप अपनी मेरी विनिंग रेशियो आप देख सकते हो, जो मैं टीम से खेलता हूँ आप मेरी विनिंग देख सकते हो। 90%+ रेशियो रहता है मेरी विनिंग टीम का, और ये फ्री प्राइम टीम आपको देता हूँ 100% और एबव जो 90% जो टोटल गया हुआ है। ठीक है, तो आप उनमें से एक हो सकते हो। आप ग्रैंड लीग कैसे विन कर सकते हो, वीडियो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो बिना पॉज किए देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, जो मैं आपको टिप दूंगा वो आपको ग्रैंड लीग ODI T20 T10 पे आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वन डे मैच अलग हो जाता है, T20 मैच थोड़ी डिफरेंट और T10 पूरा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले T10 का मैच चल रहा है। ठीक है, T10 के मैचेस पे आ जाते हैं। मैं अब जो टिप देने वाला हूँ आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगा, तो वीडियो आप कम से कम अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और आप मुझे मोटिवेट कर सको। ठीक है, तो आपके एक लाइक कमेंट से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे ऐसे ही मैं आपको वीडियो बना के लाता रहूँ जिससे आप ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 45 रुपीज़ में 10 लाख की विनिंग है। ठीक है, अब इनमें से आप कैसे जीत सकते हो। काफ़ी लोग जो कॉमन टीम लेके आएंगे ना, मान लीजिए सी विलियम्स, हाई परसेंटेज सिलेक्शन प्लेयर को लोग लेके आते हैं। ठीक है, जो हाई सिलेक्शन प्लेयर होते हैं, ठीक है, जैसे ये हुआ, हाई सिलेक्शन प्लेयर जो होंगे उन्हें लोग लेके आएंगे। ठीक है, ये प्लेयर हो गए, ये कॉमन टीम हो गई आपकी, जो काफ़ी लेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन जो हाई सिलेक्शन वाले रहेंगे। तो मान लीजिए हाई कैप्टन इन्हें रख दिया, वाइस कैप्टन इन्हें रख दिया, यहाँ पे सेव कर दिए। अब यहाँ पे टिप क्या है जो आपको ग्रैंड लीग विन कराएगी। ठीक है, सबसे पहले आप टॉस होता है, टॉस का वेट करो। आप फैन कोड पे आप देख सकते हो प्लेइंग 11 आ जाती है, 90% श्योर रहता है कि वही प्लेइंग 11 आती है। उसके अकॉर्डिंग आप बैटिंग लाइनअप देख लो, टॉप के 5 बैट्समैन, यदि मजबूत टीम है तो आप 3 से 4 बैट्समैन साथ ले सकते हो। और हाँ,
तो सबसे पहले आपको बैटिंग सेक्शन पे लेके चलना है। आप देख लीजिए कि सबसे अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर में बैट्समैन और जो ज़्यादा कीपरिंग से दे और उसकी बैटिंग लाइनअप क्या है कि कौन से नंबर पे बैटिंग करने आएगा। यदि ओपनर है तो आप जरूर लेके चलो, ठीक है, और फिर ड्रॉप कर सकते हो। यदि कभी कभी होता है कि लगातार 2 मैचेस हुए तो जो फर्स्ट ओपनर आता है वो कभी कभी पीछे भी अपने आप को ले जाता है, तो आपको ये देखना होगा। जैसे ही 1 मिनट बचते हैं आपको फैन कोर्ट ओपन किए रहना होगा, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हो कि ओपनर पे कौन बल्लेबाज करने आया, आप उसके अकॉर्डिंग तुरंत अपनी टीम ग्रैंड लीग की टीम चेंज कर सकते हो। स्मॉल लीग की आप सेम भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। पहली टिप ये कि आपको फैन कोर्ट में लाइनअप देखना होगा, ठीक है, कि कौन सा प्लेयर आपके टॉप 5 पे आने वाला है, कौन सा प्लेयर अच्छा होगा बैटिंग बॉलिंग से, ऑलराउंडर। यदि एवरेज प्लेयर है, सभी के दोनों जो दो टीम है वो कंपेयर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो आपको सभी 6-5 या 5-6 का कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लेयर हैं तो ये तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये काफ़ी लोग लेके जाएंगे, लेकिन इनमें से जो ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाले हैं तो इनमें से हो सकते हैं भाटिया हो गए, ठीक है। यदि ये जाते हैं ओपनिंग करने आते हैं तो इनमें से कुछ रिस्क भी प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से होते हैं जो ग्रैंड लीग पे आपको, ठीक है, अब उनमें से आपको क्या चेंजेस करने हैं आपको बैटिंग अकॉर्डिंग पे आपको देख लेना होगा। कुछ मेन प्लेयर जो होते हैं आपकी वो बॉलिंग भी नहीं करते, यदि मेन प्लेयर आ गया है बॉल, आपको फिर चूज करना है कि कोई भी अपोनेंट के कौन से प्लेयर जो होंगे। T10 है, 2 ओवर कंपलसरी है, तो कौन सा बॉलर 2 ओवर कंप्लीट करेगा, ठीक है। यदि ज़्यादा बॉलर हैं तो 2 ओवर नहीं करते और वो बॉलर भी अच्छा नहीं है, और फिर डेथ में बॉलिंग करने कौन आएगा, बहुत लोग नहीं जानते डेथ में बॉलिंग करने कौन आता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ग्रैंड लीग विन करवाती हैं। तो डेथ में बॉलर कौन आता है, डेथ में बॉलिंग मतलब विकेट, 90% चांसेस रहते हैं कि डेथ में जो बॉलिंग करने आएगा वो विकेट लेके जाएगा। तो डेथ में बॉलर कौन करने आता है वो आप जरूर चेक करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टीम पे लें। और सबसे अपोनेंट या जो आप टीम बना रहे हो तो सभी जो प्लेयर आपने लिया है तो क्या वो 2-2 ओवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्लेयर मैंने लिया मान लीजिए, तो ये प्लेयर के या 2 ओवर कंप्लीट करता है तो आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म इसकी बहुत अच्छी है ये बैटिंग से। यदि फर्स्ट बैटिंग आती है तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हो, ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ये बैट्समैन अच्छा। डी स्मिथ जो है ये ऑलराउंडर प्लेयर है, तो आप देख सकते हो ये बैटिंग से नहीं लेकिन बॉलिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये तो एक सेफ पिक में से रहेंगे। फिर आपके जो रहेंगे ब्रिटोन हो, आप इनमें से देख सकते हो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं लगातार बैटिंग बॉलिंग से, तो ये प्लेयर होते हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करवाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर भी आप देख लें, तो आपको मान लीजिए अब आपके बैटिंग सेक्शन पे इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं तो आपको अब ग्रैंड लीग विन करना है तो आप कहाँ पे खेलोगे। मान लीजिए ड्रीम इलेवन पे आपको 5 ऑलराउंडर लेने हैं, तो ऐसे भी मैं बता दूंगा जैसे कि बूम बूम इलेवन है, माई इलेवन सर्किल है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप यहाँ पे ज़्यादा टीम बना सकते हो, अब विन कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, सभी की बहुत अच्छी है, ठीक है, और बाहर है जो इनकी भी आप देख सकते हो टोटल परफॉर्मेंस। जब फर्स्ट बॉलिंग आए तो ये फास्टर बॉलर को सपोर्टिव पिच रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जो थर्ड है वो पिच कंडीशन कैसी है, बैलेंस पिच है या फास्ट बॉलरों को सपोर्टेड है या स्पिन बॉलरों को सपोर्ट कर रही है, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। फैन कोर्ट में बता देता है कि पिच रिपोर्ट कैसी है, बैलेंस पिच है या बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है या फिर आपको यहाँ पे सूट कर रही है स्पिनर बॉलर को, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर आपको ले जाना होगा क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो मेन बॉलर आ जाता है बीच के, यदि अब आपको खेलने कैसे होंगे, आप ग्रैंड लीग विन करना है ना तो आप टूर्नामेंट के शुरुआत के मैचेस खेलोगे तो आपको काफ़ी विनिंग बढ़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत से प्लेयर होते हैं जो हाई परसेंटेज सिलेक्शन प्लेयर को चूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 70% आपको हाई सिलेक्शन देख के टीम बनाते हैं, ठीक है, आपका मुकाबला जो रहता है वो 30% या 25% के मेंबर के बीच पे रहता है, और वो 25 मेंबर्स फिर आपको चूज़ करना होता है टॉप के 11 प्लेयर्स। आपको प्रेडिक्शन वहाँ पे काम आती है कि अब आपको चूज़ करना है बैटिंग लाइनअप,
ऑलराउंडर बॉलर ये आपके कैसे हों जो दो ओवर कंप्लीट करें, विकेट टेकर हों चाहे वो स्पिनर। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सी बॉलिंग कर रही है, ठीक है, कौन सी बैटिंग कर रही है। यदि बॉलर कर रहे हो, यदि स्टार्टिंग में फास्टर बॉलर को सपोर्ट है तो भले भले आपके हाई सिलेक्शन प्लेयर है जो पिछले मैच में 4-5 विकेट लेके आया है, स्पिनर है और पिच जो है फास्टर को सपोर्ट कर रही है शुरुआती टाइम पे, तो आपको क्या करना होगा, हाई सिलेक्शन प्लेयर जो स्पिनर बॉलर है उसे आपको ड्रॉप करना होगा और आपको फास्टर बॉलर को लेके चलना होगा। तो जो हाई सिलेक्शन प्लेयर करीब 80 वो यदि पिछले मैच पे 3-5 विकेट लिया है तो करीब 90 एवं रेशियो होगा जो लेने वाले का पर सेलेक्टेड परसेंटेज जो होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एम बर्गर का 88, डी बार्ड का है 88%, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्शन रहेगा, मान लीजिए स्पिनर बॉलर है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो आप इसे एकदम आँख खोल के ड्रॉप कर देना, ठीक है। फिर जो लो सिलेक्शन प्लेयर होगा जैसे कि आर ब्रार हैं, ये फास्टर सपोर्टेड बॉलर हैं, फास्ट को मदद मिल रही है इस पिच पे, तो आप इन्हें ले लोगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन होगा 19%, फिर आपकी विनिंग रेशियो जो होगी वो 19% पे आ जाएगी, मतलब कि आप 1,00,000 में 19,000 में आप विनर चॉइस करोगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिर कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ऐसे ही आपके जो रेशियो होगी वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी और आप टॉप 10 या टॉप 1 पे आ जाओगे। तो ये टिप रहेगी 5 पहली, आपको कोई भी T10 या T20 खेलते हो और आपको रिस्क किन प्लेयरों पे लेना है, यदि ODI खेलते हो तो मिनिमम 3 प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हो, T20 पे आपको 2 प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, और T10 में आप 2-3 प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, जहाँ पे आपको क्या देखना होगा जैसा कि मैंने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेड टू हेड स्मॉल लीग पे भी, यही आपको लेके चलना होगा जहाँ पे आप 100% विनिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं करता आया हूँ, आपको मैं प्रूफ टेलीग्राम पे दिखा दिया है। तो यदि अभी भी हमारे दोस्त जो हैं टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, किंग ऑफ ग्रेवलेवन, और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ये टेक्निकल सीवर नंबर 1 जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको फ्री प्राइम टीम दी जाती है जहाँ पे आप हमेशा विनिंग करोगे, और आपको बता दूँ टोटल रेशियो मंथली का निकालोगे तो 80-90% आपका प्रॉफिट रहेगा, ना कि लॉस। मैं आपको कोई भी मैं पैसे नहीं लेता, मैं अपनी खुद की टीम देता हूँ, वो भी फ्री टीम देता हूँ, जिससे काफ़ी लोग विन करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरा है मानना कि IPL तक में मैं अपने काफ़ी यूजर्स को ग्रैंड लीग विन कर रहा हूँ, जिससे मेरे और भी ज़्यादा यूजर्स मेरे ऊपर विश्वास कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और अपने फ्रेंड सर्कल पे मेरी ये वीडियो को शेयर करना होगा, जिससे वो भी ये वीडियो देख के अपनी ग्रैंड लीग विन कर सके, टीम बनाना सीख सके, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।